मोस्ट ऑफ द टाइम साइकियाट्रिक मेडिसिन लेने से पहले लोगों को बहुत हिचकिचाहट महसूस होती है, क्योंकि हमारे बीच इन मेडिसिन को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं। हेलो, मैं डॉक्टर संगीता अटीला हूँ। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, मैं जागृति रिहैब से जुड़ी हूँ। आज के वीडियो में हम इन मिथ्स के पीछे की सच्चाई जानेंगे। सबसे पहला मिथ यह है कि लोगों को लगता है कि हमें मानसिक रोगों के लिए मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों से बात करके, योगा, मेडिटेशन या फिर वॉक करके, एक्सरसाइज करके, समटाइम्स उनको लगता है थेरेपी से हम मानसिक रोगों को ठीक कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको फीवर आया है, यदि वो माइल्ड है, थोड़ा आया है, तो आप सेक करके, ठंडे पानी की सेक करके या फिर और मेजर्स लेके उसको ठीक कर सकते हैं। यदि फीवर बहुत ज़्यादा है तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से मानसिक रोगों में भी है। ये सारे मेजर्स जो मैंने मेंशन किए, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा, थेरेपी, ये सब हेल्प करते हैं। बट यदि सिम्टम्स माइल्ड होते हैं तो डेफिनेटली, बट यदि सिम्टम्स मॉडरेटली सीवियर होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो डेफिनेटली हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा लोगों के बीच एक बहुत कॉमन मिथ है कि साइकियाट्रिक मेडिसिन जो है या मानसिक रोग की जो दवाइयाँ हैं वो बहुत एडिक्टिव है, उनसे नशा होता है। साइकियाट्रिक मेडिसिन जो है वो बहुत सारे तरह की होती हैं। मोस्टली जो मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो उनसे कोई भी तरह का डिपेंडेंस या फिर एडिक्शन नहीं होता है। जिन मेडिसिन से होता है मोस्टली वो हम कुछ ही दिनों में उनको टेपर डाउन कर देते हैं। बट ऐसा लोगों का परसेप्शन क्यों बन गया है वो भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी इसके साथ ही, क्योंकि इंडिया में इट्स वेरी कॉमन कि आपने एक बार साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, आपने फॉलो अप लूज कर दिया, नेक्स्ट आपने मेडिकल स्टोर से ही मेडिसिन लेनी स्टार्ट कर दी, तो वो जो टेपर डाउन हम करते हैं वो मिस हो जाता है। लोग मेडिसिन लेते चले जाते हैं बहुत टाइम तक और फिर उनको इवेंचुअली आदत हो जाती है, तो ये मिथ इसलिए लोगों के बीच है। तीसरी लोगों के बीच एक बहुत कॉमन मिथ है कि एक बार साइकियाट्रिक मेडिसिन या मानसिक रोग की दवाई स्टार्ट हो गई तो लाइफ लॉन्ग चलती है, हमें पूरी ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। साइकियाट्रिस्ट मोस्टली कई बार माइल्ड मेंटल इलनेस के लिए कुछ मंथ्स तक दवाई चलाते हैं, कई बार SOS वेन नीडेड है तभी भी चलाते हैं, परंतु कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत गंभीर है तो उसमें लाइफ लॉन्ग चल सकती है। बट ऐसा नहीं है कि सारी मानसिक रोगों के अंदर मेडिसिन जो है वो लाइफ लॉन्ग ही चलती है। एक और मिथ लोगों के बीच है कि साइकियाट्रिक मेडिसिन और मानसिक रोगों की जो दवाइयां हैं उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लोगों को पता लग जाता है कि इनने साइकियाट्रिक मेडिसिन ले रखी हैं। साइकियाट्रिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बट उनको मैनेज भी किया जा सकता है, और बहुत सारे न्यूअर मेडिसिन आ गई हैं जिनकी साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपकी कुछ मिथ्स क्लियर की हो। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स, साइकियाट्रिक मेडिसिन, आप नियर बाई साइकियाट्रिस्ट से मिल सकते हैं, आप जागृति रिहैब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।